यार ये रास्ता है कि क्या है? तो आज ये वर्ली कोलीवाड़ा साइड का एरिया देख सकते हो, कंजेस्टेड है यार। घर के अंदर अंदर गाड़ी लेके आने पड़ रही है आज। सच में मतलब रिडिकुलस, ये रोड पसंद है यार। ऐसे अंदर अंदर से लेके आना पड़ रहा है गाड़ी को। वर्ली कोलीवाड़ा का एरिया है गाइस ये, वर्ली कोलीवाड़ा। तो गाइस हम लोग पहुंच गए, देख रहे हो वर्ली फोर्ट। ये है वर्ली फोर्ट। तो गाइस देख रहे हो कोलीवाड़ा का एरिया है ये, साइन ये वर्ली कोलीवाड़ा एरिया। देख सकते हो ये है फोर्ट, वर्ली का फोर्ट। यहाँ से व्यू कुछ अलग ही दिखाई देता है। पूरा बैंड ईस्ट इंडियन कंपनी ने बनाया था ये पूरा का पूरा जो फोर्ट है। ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटिश लोग ने जब आए थे और 1752 से लेके 1775 से लेके 1782 तक लड़ाई हुई थी मराठा एंग्लो वॉर्स का। तो उस बीच में लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो मराठास ने ले लिया था, और उसके बाद उसके पहले ब्रिटिश लोग ने कैप्चर कर लिया था इसको। तो ये चीज़ है, यहाँ से अभी देखते हैं लोग थोड़ा सा अंदर आते हैं। ये चीज़ अलग ही है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सब लोग हैं देखने वाले, केयर करने वाले यहाँ की पूरी। तो ये कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है गाइस कोलीवाड़ा के साइड में। मतलब समझो एक एरिया इस तरीके का है और वहाँ से देखने को ऐसा मिल रहा है। मतलब सिटी के बीच में हम लोग देख रहे हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी। यहाँ पे सेम पुराने ज़माने का बनाया हुआ है, मराठास लोग ने पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है इसको। फोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फोर्ट ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, बट फोर्ट का जो व्यू है, फोर्ट से जो व्यू दिखाई देता है अमेजिंग। मतलब यकीन मानो बहुत अच्छा दिखाई देता है। देख सकते हो आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को वर्ली सीलिंग यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले हम लोग उस साइड में थे गाइज, कुछ देर पहले हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ से हम लोग फ्रंट के साइड से देख रहे थे कुछ देर पहले, वहाँ से अभी हम लोग इधर आए हैं। और यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है कसम से मतलब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देख सकते हो बारिश का सीज़न, बारिश का टाइम है, कोई नहीं यहाँ पे। इस सीज़न में कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे बच्चे लोग देख सकते हो। बारिश में मतलब क्रिकेट वगैरह खेलने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। बचपन में हम लोग भी खेलते थे, ऐसे करते थे, कभी फुटबॉल खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे। कुछ लोग बैठे हुए हमें मज़े ले रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ से गाड़ियाँ भी पूरी क्लियर दिख रही, जो कि वहाँ से नहीं दिख रही थी। यहाँ से छोटी छोटी गाड़ियाँ भी देखो जा रही है, आ रही है, पूरा क्लियर दिख रहा है। तो ये कुछ मुंबई की अलग ही बात है। कोलीवाड़ा का एरिया पूरा देख सकते हो। यहाँ पे यहाँ के लोग मच्छी वगैरह पकड़ते हैं बहुत सारे, जो एरिया के लोग हैं यहाँ पे मच्छी वगैरह फिशेस वगैरह बहुत पकड़ते हैं। और ये फोर्ट कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, यकीनन बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है, बहुत अच्छा लुक दिखाई देता है। सच में एक बार अगर सामने से थोड़ा सा दिखाऊँ, यहाँ पे आके यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है वो मतलब काफ़ी अच्छा देखने को मिल जा रहा है। और रात में लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो तो अलग ही है, लाइट भी जलती है रात के टाइम पे, बहुत अच्छा दिखाई देता है लाइटिंग का। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। यहाँ से पूरा का पूरा जो नीचे जो लोग रहते हैं जिनके घर है, देखो एक बार घर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखो पूरा का पूरा स्लम एरिया दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे की तरफ आने की कोशिश करूँगा मैं। तो यहाँ से पूरा का पूरा घर दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। अगर आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा डीओपी आगे की तरफ हल्का सा जो है देख सकते हैं। यहाँ से बारिश का जो सीज़न है, बारिश तो मज़ा आ गया यार। बारिश में बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे। और पानी का जो व्यू यहाँ पे काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। बारिश का टाइम ही अलग होता है, मज़ा आ जाता है गाइस बारिश में कुछ ऐसा देखने को जब आप लोगों को मिल जाए। और बांद्रा वर्ली सीलिंग का जो व्यू है वो तो मस्त, मज़ा आ जाता है। तो ये है कुछ ब्रिटिश लोग ने बनाया था, 17th century का मेड है। और स्ट्रक्चर की बात करो तो ये बहुत पुराना है, वैसे का वैसे ही पहले से बना हुआ है। देखो यहाँ पे एक बीच में जो बनाया हुआ है ये देखो कुछ अलग ही तरीके से बनाया। फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो आप लोग, खींच सकते हो यहाँ पे। देखो बैठ के यहाँ पे अगर आप लोग को फ़ोटो शूट करनी है, सपोज़ कि यहाँ पे फ़ोटो लेना है, कुछ लेना है, यहाँ पे जाके आप लोग फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। एक अलग ही मतलब वो क्रिएचर क्रिएट हो जाता है। यहाँ से फ़ोटोज़ ले सकते हो, कुछ वीडियोस बना सकते हो, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मतलब कर सकते हो अपने एन्जॉयमेंट के हिसाब से। देखो यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो तो गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए उधर जगह है, तो आप लोग उस साइड से गाड़ी पार्क कर सकते हो। हम लोग तो दूसरे साइड से आए, गली गली के रास्ते से आए, लेकिन वहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क हो रही, मतलब उस साइड से रास्ता होगा कहीं से।
बैक साइड से, लेकिन हम लोग आए फ्रंट के साइड से, मतलब घरों के बीचों में से आए, तो हम लोग ने गाड़ी वहीं पे पार्क कर दिया था। तो यहाँ पे लहरें भी बहुत उठ रही है, तो वहाँ पे जाना रिस्की है गाइस, वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि लकड़ी उकड़ी रखा है, शायद हम लोग उधर नहीं जाएंगे क्योंकि लकड़ी उकड़ी से रखा हुआ है, शायद हो सकता है गिर विर जाए या कुछ हो, तो वहाँ रिस्की अलाउड नहीं है शायद से जाना, तो हम लोग नहीं जाएंगे गाइस वहाँ पे। यहाँ पे देखो हनुमान जी का मंदिर भी है, सबसे बड़ी बात हम लोग भूल गए, यहाँ पे हमारे बजरंगबली जी का मंदिर है, जय जय श्री राम जय बजरंगबली। तो ये अलग ही बनाया हुआ है यहाँ पे फोर्ट पे बजरंगबली जी का मंदिर, काफ़ी अच्छा लगा। तो कैसा लगा ये फोर्ट आप लोगों को? ये है बांद्रा का वर्ली फोर्ट, बांद्रा का नहीं है, वर्ली का फोर्ट है ये, और काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़ा तो नहीं कहूँगा लेकिन छोटा ही है लेकिन दमदार है, मज़ा आ जाता है यहाँ से जो सीन दिखाई देता है, लेकिन मानो बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है। पानी का बॉटल वगैरह रखा हुआ है, आप पानी भी पी सकते हो यहाँ पानी का बॉटल कोई रख के चला गया है, तो पानी का बॉटल भी है, पानी वगैरह पीना पी लो। काफ़ी मूवीज़ में काफ़ी शूटिंग में काम आती है ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, सीलिंग का एरिया और ये जो जगह है, तो काफ़ी SRK वगैरह ये लोग बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी है वो सब काफ़ी उनकी काफ़ी मूवीज़ में आप लोगों को दिखेगा ये एरिया, शूटिंग का एरिया, तो यहाँ पे भी शूटिंग होती है कभी कभी, तो ये सब शूटिंग प्लेसेस है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वर्ली का फोर्ट और वर्ली का जो व्यू है, यहाँ पे व्यू ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो सीलिंग दिखाई देता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से किस तरीके से बहुत खूबसूरती से अच्छी तरीके से दिखाई देता है। तो आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।